जी हाँ नो प्यारे विद्यार्थियों, सेवन्थ क्लास दी मैथ दी बुक द चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स उस द नोट्स पार्ट 7 इस वीडियो विच करन जा रहे हाँ। ते दे विच वी विल लर्न अबाउट ट्रायंगलिंग इनइक्वालिटी एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन। सो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ते आधार ते बड़े सारे सवाल आंदे हुंदे ने ये पेपरों में भी, अगर कंपटीशन के पेपरों में भी, और बड़ी बेसिक जी है सिद्धांत है और बड़ा सिंपल और बड़ा सौखा है समझना। आओ देखिए। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी असी पहले नोट्स पार्ट 6 भी पढ़िया है, पर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ असी जी है वो पढ़ांगे वो ट्रायंगल फॉर्मेशन। ठीक है। सो इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। दिस थ्योरम इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। असी पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी विच की होंगे कि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स ले लो, उन्होंने जोड़ लो, वह जोड़ जोड़ा है थर्ड साइड तो हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। कोई भी ट्रायंगल हो, स्केलीन हो, आइसोसेल्स हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, कोई भी। दस इन दी गिवन फिगर ए बी जमा बी सी ग्रेटर देन ए सी, ए बी जमा बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी जमा सी ए ग्रेटर देन ए बी एंड सी ए जमा ए बी ग्रेटर देन बी सी। हुण इहदे विच बच्चों एक चीज़ हो रही है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो असी नोट्स पार्ट 6 विच नहीं कवर कर सके। आओ देखिए वो की है। कहिंदे इफ ए बी जमा बी सी ग्रेटर देन ए सी तो असी बी सी नूं इत्थे लै जाएंगे। ठीक है। तो की हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। सो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी माइनस बी सी। इसी तरह बी सी जमा सी ए, सी ए इतने ला जाओ। सो यह हो जाएगा ए बी माइनस सी ए, ए बी माइनस सी ए। इसी तरह इतने बी ए इधर ला जाओ। सो माइनस बी ए हो जाएगा। सो माइनस बी ए। सो तीनों साइड्स आ गई, बी सी भी आ गया, सी ए भी आ गया, तो ए बी भी आ गया। हुण इहदा मतलब की है बच्चों? इट मीनस दैट एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन दी डिफरेंस बिटवीन दी अदर टू साइड्स। एक तो बच्चों असी यह पढ़िया है कि एनी टू साइड्स का सम जड़ा है वो तीजी साइड तो वड्डा होंदा है। तो यदा मतलब यह है कि कोई भी दो साइड है ना, डिफरेंस ले लो, ए सी माइनस बी सी, ए बी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए, वो जो डिफरेंस है, अंतर है, वो जड़ा है वो तीजी साइड तो छोटा होएगा। देखो ए लेस देन इधर है, ए डिफरेंस छोटा है, डिफरेंस छोटा है, डिफरेंस छोटा है। यहाँ कह लो कि डिफरेंस तीसरी साइड तो छोटा होएगा, या कह लो कि जी तीसरी साइड है वो दो साइडा के डिफरेंस तो वड्डी होएगी। ए दूसरी गल जी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, आओ देखिए दो एग्जाम्पल्स के नाल। ए इंपॉर्टेंट है बच्चों ट्रायंगल फॉर्मेशन के वास्ते। दीज टू रिलेशनशिप्स, ए दो रिलेशनशिप कड़ियाँ, एक तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर दैन दी थर्ड साइड, तो दूजी रिलेशनशिप कड़ी है कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन दी थर्ड साइड। ठीक है। दे हेल्प अस फाइंड द रेंज ऑफ दी थर्ड साइड इफ दी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नोन। कोई एक ट्रायंगल की दो साइड्स दी हैं तो पूछन कि जो तीजी साइड जड़ी है वो छोटी तो छोटी कितनी हो सकती है तो वड्डी कितनी हो सकती है, वह पूछना है। इधर सवाल भी है अगले थोड़ी एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टू फाइंड द रेंज ऑफ द थर्ड साइड, मान लो असी किसी थर्ड साइड का रेंज मतलब कि छोटी तो छोटी तो वड्डी कितनी होगी, इफ द अदर सू टू साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन फिर की होएगा, की होएगा, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर। पहला काम की करना है, दोनों का डिफरेंस ले लो, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू। तो असी पढ़ चुके हैं कि थर्ड साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस, यदा उनकी दो तो वड्डी होएगी। ठीक है। तो फिर जोड़ लो 3 जमा 5, 5 जमा 3 इज टू 8। तो असं भी पढ़ चुके हैं कि सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड और द थर्ड साइड इज लेस देन द सम, यानी कि वो 8 तो छोटी होएगी। सो द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। देखो दो डिफरेंस आया है, दो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर एंड लेस देन 8 सेंटीमीटर। सो रेंज इज बिटवीन 2 एंड 8 सेंटीमीटर। बिटवीन बिटवीन का मतलब है कि दो जड़ा है वो इंक्लूडेड नहीं है, दो नहीं हो सकती तो 8 भी नहीं हो सकती। बिटवीन का मतलब है दो तो वड्डी होएगी तो 8 तो छोटी होएगी। बस
इन कह लो 2.1 तो लैके 7.9 तक भी मन सकते हैं, 2.111 या 2.01 भी मन लो ते 7.999 भी होगी, पर 2 तो वड्डी होएगी ते 8 तो छोटी होएगी। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेने, आइसोसेलीस ट्रायंगल का जिथे कंफ्यूजन हो सकता है, इफ द टू साइड्स आर 3 सेंटीमीटर ईच, कहते दो साइडा ने ते 3 सेंटीमीटर ही चाहिए क्योंकि वो आइसोसेलीस ट्रायंगल है, देन दी थर्ड साइड विल बी ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि 3 - 3 = 0, सो 0 तो वड्डी होएगी, एंड 3 + 3 = 6 एंड लेस देन 6 ते 6 सेंटीमीटर तो छोटी होएगी। ए बच्चों सी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेदे विच दे टेल अस टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द थर्ड साइड इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। तो इस तरह करना है, दो साइड्स का डिफरेंस ले लो वो साइड उतो ज्यादा बड़ी होगी, तो दो साइड्स का सम ले लो वो तो छोटी होगी, जिदा इतने कीता है 2 तो वड्डी 2 सेंटीमीटर तो वड्डी ते 8 सेंटीमीटर तो छोटी। सो ऐसी बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ट्रायंगल इनइक्वालिटी दे नाल जो रह गई सी तो असी नोट्स पार्ट 7 दे विच इनू कवर कर लिया। सो प्यारे विद्यार्थियों, तुसी इसी तरह मन लगा के मेहनत दे नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई गुड बाय। थोड़ा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।